गलती में उसको किया टॉयलेट में फ्लश। यह वारदात मुंबई की दर्शाई जा रही है। मुंबई में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त का 60,000 रुपए के लिए कत्ल कर दिया और अपने जुर्म को छिपाने के लिए उसने शव के सैकड़ों टुकड़े किए और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। यही नहीं, उसने लाश की हड्डियां और सिर अलग रखा और उन्हें थैली में भरकर फाइजर की खाड़ी में फेंक दिया। इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब सोसाइटी के चैम्बर से बदबू आने लगी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पिंटू किशन शर्मा उम्र 40 साल ग्लोबल सिटी इलाके में फ्लैट नंबर 602 में रहता था। उसने हाल ही में घर किराए पर लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि मीरा रोड के सेक्टर 9 में रहने वाले गणेश विंटर कोलटकर उम्र 58 साल ने उससे 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया था। उसने 40,000 रुपए चुका दिए लेकिन 60,000 रुपए के लिए आनाकानी करने लगा। इससे दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया जिसके चलते पिंटू ने कोलटकर की वीरान जगह पर बुलाकर हत्या कर दी और अपना जुर्म छिपाने के लिए ग्लोबल सिटी इलाके में फ्लैट लिया और फ्लैट में कोलट करके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर दिया, जो फ्लश करने के कारण ड्रेनिंग पाइप में फंस गए, जिससे बदबू आने के बाद सोसाइटी के पदाधिकारियों ने चैम्बर की सफाई के लिए मजदूर बुलाए, जहां पर उन्हें सफाई के दौरान मास्क के टुकड़े मिले। इस बीच उन्हें उंगलियां भी मिली। यह देखकर मजदूरों के होश उड़ गए। फिर सोसाइटी में रहने वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच में पिंटू शर्मा को दोषी पाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज